नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जेवीएन विजन टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं आपका साथी होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन। और मेरे पीछे जो वॉरियर्स की टीम आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं इस कोविड के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं, जो कुछ लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, जो कुछ लोगों के सहयोगी बनना चाहते हैं। रोज़ इस किसी न किसी रूप में हम अक्सर आपसे ये अर्ज करते हैं कि कम से कम ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर हम किसी का थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो मुझे लग रहा है कि कोविड के बाद जब आप बात करोगे तो आपके पास ये कहने के लिए होगा कि मैंने कोविड के दौरान कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। डोडरा अखबार मेरे क्षेत्र का एक ऐसा जनजातीय क्षेत्र हमारे उपमंडल के साथ जिसकी सीमाएं लगती है, अगर वहां की परिस्थितियों के बारे में हम आपको अवगत करा दें तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा दौर चल रहा था। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उपायुक्त महोदय ज़िला शिमला और यहाँ के जो उपमंडल दंडाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं वहाँ बेहतर कार्य करने के लिए, बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से जितना कार्य कर रही है, लेकिन अगर आप जनजातीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ परिस्थितियाँ जो है उसे सामान्य होने में शायद अभी वक्त लगेगा, मगर वहाँ के लोगों की, खासतौर पर जो कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके दर्द को समझने के लिए अब कोई और भी आगे आ गया है। और वो जो वॉरियर्स हैं, वो टीम मेरे साथ हैं, इनसे मैं आपकी बात भी करवाऊँगा। और ये मैं आपको ज़रूर कहने वाला हूँ कि इतना बड़ा योगदान और उस जनजातीय इलाके के लिए जहाँ समस्याएं बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि अगर वहाँ कोविड की आप बात करें तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पेशेंट जो है वो 2-2.5 घंटे जो है वहाँ से अस्पताल तक पहुँचने में लगते हैं, लेकिन बावजूद उसके डॉक्टर्स की टीम वहाँ प्रयास कर रही है, बावजूद उसके सरकार और प्रशासन वहाँ कार्य कर रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम में से कोई या हम जैसा कोई उन लोगों के काम आ सकता है? तो वही कार्य करने जा रही है लाइफ काउंट्स नाउ की टीम। इनसे बात करेंगे, जानेंगे लाइफ काउंट्स नाउ के बारे में। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे समय में अगर कोई किसी का सहयोगी बन गया तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक गर्व का विषय है। आपसे बस एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, इनका एक जो प्रयास है वो बहुत छोटा प्रयास नहीं है। हम कहते हैं ना कि अक्सर हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास बहुत बड़ा है। मैं ये ज़रूर आपसे चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और इनके लिए ताली ज़रूर बजाना, ताकि कम से कम इनके इस प्रयास को हम अगर कुछ दे सकें तो वो एक थैंक यू कहना है कि इस दौर में इन लोगों ने सहयोग किया उन लोगों को जिनको ज़रूरत थी इनकी। और इस दौर में अगर आप भी कुछ ऐसा कर पाओ तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ थैंक यू कह के आप एक बहुत बड़ा काम कर जाओगे। तो हमारी स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लेकिन मैं इनसे एक बार बात कर लूँ, आपको इन वॉरियर से मिलवा लूँ, आखिर ये लोग है कौन और ये मन में ख्याल कैसे आया और ये लाइफ काउंट्स नाउ क्या है, आज हम भी इसके बारे में जान लें। सबसे पहले तो जेवीएन विजन टीवी पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जेबीएन विजन टीवी का भी मैं दिल के गहरे से आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले मुझे अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम शेरचंद है और मैं बेसिकली चढ़गांव से हूँ, और हम पिछले समय से लाइफ काउंट्स नाउ के साथ एज ए वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं जी। और मैं आपको बता दूँ जो लाइफ काउंट्स नाउ है वो क्या काम करती है, वो विशेष करके जो है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और ऐसे एरिया में जहाँ पे गरीब लोग हैं, जो बच्चे खास करके स्कूल नहीं जाते हैं उनको जो है वो स्कूल तक पहुँचाती है, उनके चाहे वर्दी का सामान है चाहे बैग है और उसके वो मुहैया करवाती है। और खास करके गरीब बच्चों को जो है करीबन पिछले समय से जो 2-3 सालों से जो है करीबन सैकड़ों बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे चुकी है। तो जो आपकी लाइफ
अनाउंस नाउ कि यहाँ जो टीम है वो यहाँ क्या क्या कर रही है। अभी हमने पिछले साल जैसे यहाँ पे कोरोना का जो दो सालों से कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं, बहुत जो है कहर, पिछली बार जैसे कोरोना जो बड़ा है उस समय बहुत सारे लोग प्लान कर रहे थे और अपने जगहों से दूसरी जगह जा रहे थे, उस समय लाइव काउंसलरों ने बहुत सारे ज़रूरतमंदों को भोजन मुहैया करवाया है, राशन हमने उन लोगों तक पहुँचाया है। लेकिन जो इस बार है, इस बार थोड़ा सिचुएशन ख़राब है, और क्योंकि इस समय जो है स्थिति यह है कि ये जो कोरोना है ये अभी सेकेंड स्टेज में है, सो बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं जिसको ऑक्सीजन की कमी है, और इसीलिए इस समय हमारी जो टीम है लाइव काउंसलरों ने ऐसे हम प्रयास करिए जो मेडिकल डॉक्टर्स है जो उनके लिए जो इस समय प्रिकॉशन है, खासकर जैसे मास्क हो गया और भी जो सामान है सैनिटाइजर है, हम इस समय जो है हर एक गाँव में हर एक पंचायत में हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आपकी जो टीम है डोडरा क्वार क्यों चुना? एक्चुअली मैं डोडरा क्वार जो है मेरी वहाँ से प्रधान से भी बात हुई है, पिछले दिनों से डोडरा क्वार में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और दूसरी बात जो वो एक बैकवर्ड एरिया है और पर्याप्त मात्रा में इस समय डॉक्टर हैं वहाँ सब कुछ है, लेकिन फैसिलिटी उतनी वहाँ पे अभी नहीं है, खास करके अगर अभी तो चलो कम है और धीरे धीरे जो है वहाँ पे जो है लोग जो है कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो रोड भी पूरा ख़राब है, तो आने वाले समय में जो है वहाँ से जो है हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अभी हम जो है कोरोना का रोकथाम कर पाए तो शायद हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा, इसीलिए लाइफ कॉन्स टीम जो है अभी वहाँ पे जो कुछ जो प्रिकॉशन है, मास्क है और आपका जो N95 मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, और आपका जो है ऑक्सीजन मास्क हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर है और थर्मल स्कैनर है, ये कुछ जो आवश्यकता चीज़ें हैं हम इनको लेके जा रहे हैं ताकि जो है अभी जो स्टेज है वहीं पर जो कोरोना रुक जाए। लगभग कितने ऑक्सीजन के जो मास्क हैं मैं आपसे ये पूछूंगा, कितना क्या क्या सामान है जो वहाँ जा रहा है, थोड़ा सा डिटेल अगर आप हमारे व्यूवर्स को बता दें। सर इसमें लगभग 4000 जो है N95 मास्क है जी, और इसमें 500 बोतल जो है आधा 500 ml का जो है सैनिटाइजर है जी, इसके साथ साथ जो है 50 जो है आपके ऑक्सीमीटर है, 20 थर्मल स्कैनर है, 1000 आपके साबुन है सोप, ये सारा जो सामान ये सारा सामान इसमें हमने गाड़ी में भी डाल दिया सर। लाखों की कीमत होगी इसकी? इसका लगभग 3 लाख का बजट है सर। 4 लाख का बजट आसपास है, 4 लाख के आसपास का सामान जो है वो वहाँ आप डोनेट करने जा रहे हैं। मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, वापस आऊंगा आपके पास, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप जब जीवन में किसी एनजीओ से जुड़ते हो और आपका एनजीओ जब बेहतर कार्य कर रहा हो तो इस उम्र में आप उस दिशा में हो जिस दिशा में इंसान बहुत कम समय के बाद जाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए एज ए यूथ होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर हम किसी एनजीओ में काम करते हैं, और जैसे आज की स्थिति में तो मैं ये यूथों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक जवानों को इस परिस्थिति में जो है समाज के लिए इस कोरोना से बचाव के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में जैसे डोडरा क्वार में बीते दिनों में बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, तो मैं अपने लिए इस बात को गर्व के लिए लेता हूँ कि हमें जो ये एक अच्छा मौका मिला है कि हम वहाँ पर जाकर जो है उन लोगों के लिए जो है जो मेडिकल किट्स है वगैरह वो हम जो है वहाँ पर मुहैया करवा सकें। खुशी होती है? बहुत खुशी है और गर्व भी फील कर रहे हैं कि हम जो है एज एलसीएन में जो है एक वॉलंटियर काम कर रहे हैं और वहाँ पर हम एक कार्यकर्ता के रूप में जा रहे हैं। मैं आपको भी चाहूँगा कि आप इधर आ जाएं, वैसे तो धारा 144 है लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि बाकी लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। अपना नाम मुझे बता दें पहले। मेरा नाम पिंकुराम है। आप कहाँ से हैं सर? मैं अभी चढ़गांव से आंध्र से हूँ। अच्छा, तो आपको कितना वक्त हो गया एलसीएन के साथ? मेरे को 3 साल हो गया एलसीएन के साथ। 3 साल का जो सफ़रनामा रहा है एलसीएन के साथ कैसा लगता है? 3 साल में मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे एक समाज सेवा में एक मौका मिला है, और ज़्यादा समय हमने इस समाज सेवा में और जो पिछला वर्ष था 2020 में एक नया अनुभव प्राप्त किया है और लोगों से मिले हैं जिन्होंने कहा अपनी ज़रूरतों को हमने अपने सामने रखा है कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने ये जो मकान लिया कमरा लिया इसमें कुछ सामान रखा लोगों को दिया और जाते रहे हम, और सरकार की तरफ से हमको परमिशन मिली तो जितना हो सका हमने किया। लेकिन इस साल जो आया हमारे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन इस साल भी ऐसा ही हुआ, तो इस साल हम मेडिकल के रिलेटेड जो हमारे पास सामान है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे के लिए भी चाहते हैं कि आगे के लिए भी अगर हमारे को मौका मिले ज़रूर हम समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे भी चाहूँगा, आप भी युवा हैं, अपना नाम भी बता दें एक बार सबको, मैं मिलवा दूँ हमारे व्यूवर से, अपना नाम बता दें। मेरा नाम निखिल है और मैं डिस्वानी टिक्कर से हूँ। अच्छा निखिल, कितना समय हो गया एलसीएन के साथ? जी मुझे एलसीएन के साथ 2 साल हो गया है। हाँ जी। खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इस प्रकार से समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और राशन बांट रहे हैं
और जो लोगों की ज़रूरत है उसका सामान हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खुशी है बहुत ज़्यादा। मैं आपका नाम पूछना भूल गया था। सर मेरा नाम चरण दास है, मैं गवा से हूँ। अच्छा आप गवा से, मतलब अलग अलग जगह से लोग जो हैं एकत्र हुए हैं। मैं अंतिम सवाल ज़रूर आपसे लूँगा, वापस आपके पास जाऊँगा। डोडरा अखबार जाकर क्या करने वाले हो? सर सबसे पहले तो हम लोग वहाँ पे जो डॉक्टर की टीम है वहाँ उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि वहाँ सिचुएशन क्या है और जो ऑक्सीजन मास्क है हम उनको देंगे। उसके बाद प्रधान के जो है, जो प्रधान हमारे को गाइड करेगा, प्रधान के साथ हम लोग जो हर गांव में जहाँ पे खासकर इस समय कोरोना बढ़ रहा है और वहाँ तक हम पहुँचेंगे और उन लोगों को जो प्रिकॉशन हमारे पास जो सामान है उन तक हम पहुँचाएंगे। एलसीएन के भविष्य में कोई प्लान? एलसीएन चाहते हैं कि हर एक लोग जो है, खास करके जो एजुकेशन के मामले में बच्चे पढ़े और हर एक लोग जो है जो इस समय कोरोना के साथ परिवेश में जो परेशानी में है और हम उनकी सहायता कर सके, यही हमारा जो है दर्शन है। अंतिम सवाल मेरा आपसे ज़रूर ये रहेगा, स्थानीय लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? स्थानीय लोगों से सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो SDM महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे पहले हम लोग उनके पास ही गए और वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट साहब है और उनसे हमने बातचीत की और हमने कहा हम लोग जो डोडरा अखबार जाना चाहते हैं। उन्होंने हमारा रिगार्ड किया, स्वागत किया और हमें परमिशन भी मिल गई है। उसके बाद जो है डोडरा अखबार के जो प्रधान है उन्होंने भी हमें स्वीकार किया कि आप आ सकते हैं। सो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ LCN की कितनी बड़ी टीम है? अभी तो हम लोग इतने लोग हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर एक गांव में जो है LCN की टीम हो और जो इस समय जो है बढ़ चढ़ कर काम करे। चलिए क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और जाते जाते हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर, जाकर आप लोगों का जो है धन्यवाद। अरे वाह सर, आपका भी धन्यवाद, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो LCN की टीम जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ लोगों का दर्द जानने जा रहे हैं। और हमें मालूम है जब कोई अच्छे कार्य पर निकलता है तो खुदा उसके साथ होता है और हमें उम्मीद है कि वहाँ जाकर तमाम परिस्थितियों को बेहतर करने में ये तो अपना योगदान दे रहे हैं। आपसे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इनके सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि इनका एक छोटा सा प्रयास जो है वो समाज के बड़े सारे लोगों की मानसिकता में छोटा सा बदलाव ज़रूर कर देगा। और वो बदलाव ये है, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह का दौर है, इस तरह के दौर में अगर कोई किसी के साथ खड़ा होता है तो मुझे लग रहा है अगर कोई है जो आपके आंसू पोंछने वाला है तो उसके सहयोगी बनिए ना, उसके साथी बनिए। और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें JVN विजन टीवी के साथ, साथी कैमरामैन सुशील मेहता के साथ। अभी के लिए अलविदा कह रहा हूं। और हाँ, आज एक खास स्ट्रीमिंग है आपके लिए, ठीक 4 बजे हिमाचल का सुपरस्टार जुड़ेगा आपके साथ। अभी के लिए फिलहाल अलविदा कहिए, नमस्कार।